मैंने मेरे एक अग्रज हैं उनकी कविता का थोड़ा सा उनका झुकाव उस तरफ है उनकी कविता की। मैंने लाइन पहली पढ़ी, उन्होंने कहा लिखा था, हे युवा तुम एक नक्सली का प्यार हो, हे युवा तुम एक नक्सली का प्यार हो। उस समय तो ये लाइन मुझे बहुत ही साधारण लगी, लेकिन ये लाइन मेरे दिमाग में कौंटती रही। आखिर क्या सोच करके उन्होंने लिखा कि हे युवा तुम एक नक्सली का प्यार हो। और ऐसा कि हम देख सकते हैं कि कई ऐसे संगठन कई विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं जो कि नक्सलियों को, नक्सल आंदोलन को हैं तेन प्रकार सही साबित करने के लिए कार्यरत हैं। वे हमारे आपके सामने कुछ ऐसे तर्क गढ़ेंगे कि हम मानने के लिए उस समय मजबूर हो जाएंगे। नहीं, हाँ, नक्सलियों की समस्या जो जायज़ थी, हो सकता है समय के सापेक्ष समस्या जायज़ रही हो, लेकिन आज की तिथि में जो वे कार्य कर रहे हैं अपनी मांगों को मांगने के लिए, वे आज पूर्णतया गलत है। जल जंगल जमीन से ये बात चलते चलते सत्ता तक आ चुकी है। वे समानांतर सरकार चला रहे हैं और इसमें हमारी पूर्ववर्ती सरकारें और हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं इनमें दोनों भी फल रहे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे इस देश के लिए कि जिनके नाम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इस आंदोलन की वजह से वही सबसे ज़्यादा व्यथित हैं। आदिवासियों के नाम पर इस नक्सली आंदोलन का जो आगाज किया गया, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरे और मेरा अनुभव रहा है, मैं कुछ खास पढ़ के आया नहीं, लेकिन जो मैंने 15 दिन की यात्रा की पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जो है हमारे देश की आंतरिक समस्या है, उसको नक्सलवाद को नहीं कहा जा सकता, वो अलगाववादी शक्तियाँ हैं, लेकिन कमोबेश वे उसी प्रकार की हैं। तो जो मैंने वहाँ पे देखा, कोई भी चीज़ हथियार से हल नहीं हो पाएगा, हमें अंततः वार्ता की मेज पर आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा माहौल बनाएं, हम उनसे बात करें और कुछ शायद बेहतर निकल कर चला आए। जहाँ तक नक्सलियों की बात है, तो नक्सली वे ही नहीं है जो जंगलों में आज मार काट कर रहे हैं, नक्सली आजकल विश्वविद्यालयों में भी पनप रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय के जो नक्सली हैं, वे उन बंदूकधारियों से ज्यादा खतरनाक हैं मित्रों, वे उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। वे एक मर जाएगा, मार दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये एक अपनी सोच अगर नहीं बदला, तो ये 100 वैसे पैदा कर देगा, क्योंकि ये अपने विचारों में कुछ ऐसी सरगर्मियां लाते हैं कि आप खूब मंडूक हो जाएंगे। आप उनके सामने एक कुपड़ हैं, ये आपके सामने हमारे इतिहास से कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाएंगे, ये हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसा भ्रम फैलाएंगे कि आप सोचेंगे ये भी ऐसा हुआ था, वाकई गलत हुआ था। और दूसरे तरफ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मित्रों का, जो जिन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है। उनके कई मंच हैं, कमोबेश ये हमारा पहला मंच है जहाँ से हम भी बात कर सकते हैं और हम भी बात करेंगे। वे कूपन हैं तो हम भी पढ़ कर आएंगे, हम भी जवाब देंगे, हम सारी सच्चाई खोल कर रखेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, DHD दीमा अलाम गाओगा एक संगठन था, उग्रवादी संगठन था, जिस क्षेत्र में हम गए थे, दीमा हसाओ जिला है, वहाँ पर दिमासा जनजाति है। वे अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे जनजाति आधार पे, लेकिन वहाँ पर मैं सरकार के कार्य की प्रशंसा करूँगा, आज वे मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। जब वे मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और आज उसी DSD का जो मेंबर है, वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है देवीलाल गोरलोसा, तो अगर बातचीत
हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी स्वार्थ निहित है। हम कैसे कहते हैं, जमशेद, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें जमशेदपुर के कई कल कारखाने हैं जो कि वित्त पोषण करते हैं इन नक्सलियों का। एक तरफ ये जो कंपनियां हैं, जो कारपोरेट जगत है, एक तरफ तो रोना रोएगा इनका। अगर मित्रों हम देखें तो सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है तो वो आदिवासी है जिसके नाम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये नक्सली भी उन्हें दबाते हैं, ये हमारा प्रशासन ये भी उन्हें प्रताड़ित करता है। और विश्वविद्यालयों में बैठे हुए कुछ प्रोफेसर, कुछ विद्वान और कुछ बौद्धिक लोग तथाकथित, वे भी माहौल बनाने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, ये उनके लिए टॉनिक का काम करते हैं। तो समस्या का समाधान यही है कि सरकार एक प्रत्यर्पण संधि लाए जिसके चलते जो बरगला कर जिन आदिवासियों को जबरन या किसी कारणवश या हो सकता है कि भविष्य में उनके किसी अधिकारों का हनन हुआ हो जिसके चलते वे कुंठित होकर उस चीज़ में शामिल हुए हों, उनको प्रत्यर्पित कराया जाए, उनके लिए भविष्य की एक अलग से कार्य योजना तैयार की जाए और वे मुख्य धारा में शामिल हों, क्योंकि वे भी हमारे ही लोग हैं, वे बाहरी लोग नहीं हैं। तभी इस आंतरिक समस्या का समाधान होगा और हमें बातचीत करना पड़ेगा उनसे। धन्यवाद।